नमस्ते दोस्तों, BS6 मार्केट में सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है और काफ़ी सारे कंपनीज ने इसके अंदर BS बाइक्स भी लॉन्च कर दिए हैं। बट काफ़ी सारे बाइक्स ऐसे भी हैं जो कि आपको BS6 वर्जन्स में आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही सारे बाइक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सी बाइक जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है BS6 वर्जन के वजह से। वेल दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ लेना। वेल दोस्तों, यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, नंबर वन जो बाइक है वो दोस्तों होंडा नावी। दोस्तों, होंडा नावी जो है वो होंडा ने इंडिया में एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वेल दोस्तों, इंडिया में ये जो बाइक है इसके सेल्स फिगर भी काफ़ी ज़्यादा डाउन रहे हैं और इसके जो टारगेटेड कस्टमर्स ने, यानी कि इस बाइक के जो टारगेटेड कस्टमर्स थे, उन्होंने भी इस बाइक को बहुत ज़्यादा खरीदा नहीं या फिर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। दोस्तों, होंडा नावी जो है ये एक काफ़ी अच्छी बाइक थी अपने सेगमेंट के अंदर। वेल जो नेक्स्ट हमारी स्कूटर निकल करके आती है वो भी दोस्तों होंडा की तरफ से ही आती है। दोस्तों, होंडा क्लिक ये जो स्कूटर है ये भी होंडा नावी जैसे ही थी और ये भी अपने टारगेटेड कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाई और इस स्कूटर का भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इसका जो इंजन और इसका जो चेसिस था वो होंडा एक्टिवा के ऊपर ही बेस्ड था, बट इसके सेल्स फिगर उतने अच्छे नहीं थे जिस वजह से BS6 वर्जन में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अगर हम थर्ड नंबर के बाइक की बात करें तो दोस्तों वो है होंडा CBR 250। दोस्तों, होंडा CBR 250 जब लॉन्च हुई थी, यानी कि 2011-2012 में, काफ़ी ज़्यादा फेमस बाइक रही थी। इसने काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग भी बनाए और काफ़ी सारे लोगों ने इसको ख़रीदा भी और पसंद भी किया। बट काफ़ी सारे सालों से इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं जिस वजह से, और आपको कंपटीशन भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है जिस वजह से लोगों ने इस बाइक को रिसेंटली पिछले कुछ सालों से ख़रीदना कम कर दिया या फिर इसके सेल्स फिगर भी डाउन होने लग गए। दोस्तों, इसके सेगमेंट में आपको RC 200 देखने को मिल जाती है, Duke 250 देखने को मिल जाती है, R15 देखने को मिल जाती है, Gixxer SF 250 देखने को मिल जाती है। इतने बेहतरीन और परफॉर्मेंस बेस आपको बाइक देखने को मिल जाते हैं जो कि ऑलमोस्ट इसी प्राइस सेगमेंट में मिल जाते हैं। और क्योंकि दोस्तों इसका जो प्राइस है वो हाई था, कंपटीशन भी काफ़ी टफ था और इसका जो मॉडल था वो भी आउटडेटेड हो गया था, जिसके ऊपर 2011 से लेकर के अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया था या फिर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे। बस खाली इसमें आपको न्यू कलर देखने को मिलते थे जिस वजह से कस्टमर्स ने इस बाइक को ख़रीदना कम कर दिया और अब होंडा ने 2020 में इस बाइक को भी डिसकंटिन्यू कर दिया। अब अगर हम थर्ड नंबर की बाइक की बात करें दोस्तों, वो है Yamaha R3। Yamaha R3 जो है वो 2016 में लॉन्च हुई थी और 2018 में BS4 वर्जन इसका लॉन्च किया गया था, जिसमें कि इंजन को थोड़ा सा ट्यून कर दिया गया था और कलर भी आपको न्यू देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये बाइक का डिसकंटिन्यू होने का वजह है इसका टफ कंपटीशन और इसका प्राइस। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो Duke 390, RC 390, Ninja 300 ये ऐसे टफ कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी कि लोग इन बाइक्स को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं R3 के मुकाबले। और दोस्तों, सेल्स फिगर भी इससे काफ़ी कम रहे हैं क्योंकि इसके जो प्राइस है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इस बाइक का प्राइस आपको ऑलमोस्ट 4 लाख जितना देखने को मिल जाता है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इसको काफ़ी पहले ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, बट इसका एक अपडेटेड मॉडल भी लॉन्च किया गया था। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इसका जो न्यू वर्जन है वो लॉन्च हो सकता है, ऑफिशियली कुछ भी कहा नहीं गया है, बट 2021 में आपको इसका न्यू वर्जन देखने को। अभी जो फोर्थ नंबर पर हमारी नेक्स्ट बाइक है दोस्तों, Discover 110 एंड Discover 125। दोस्तों, Discover जो है वो बजाज की काफ़ी पुरानी बाइक में से एक रही है। पिछले 15 सालों से मार्केट में Discover बिक रही है। अगर हम इस बाइक ने मार्केट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, यानी कि इस बाइक ने अपने 15 साल के करियर में काफ़ी बेहतरीन सेल्स फिगर भी देखे हैं और काफ़ी बदतर सेल्स फिगर भी देखे हैं। और दोस्तों, अगर हम कंपटीशन की बात करें तो इसके बजाज से खुद के ही बाइक्स Platina 100 एंड Platina 110 cc ये जो है काफ़ी टफ कंपटीशन देते हैं और भी आपको इसमें टफ कंपटीशन देखने को मिल जाता है। Discover जो है वो अपने टाइम में फेमस थी, बट धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे Discover की फेमसनेस भी काफ़ी कम होती गई और अब 2020 में बजाज ने Discover 110 cc एंड 100 125 cc को डिसकंटिन्यू कर दिया। वेल, अभी जो हमारे फिफ्थ नंबर पर नेक्स्ट बाइक है उसको आपने शायद ही देखा हो या फिर उसका नाम भी आपने शायद ही सुना होगा। दोस्तों, फिफ्थ नंबर पर हमारी जो नेक्स्ट बाइक है वह है Yamaha Saluto RX एंड Saluto 125। दोस्तों, इस
को आपने शायद ही देखा होगा, क्योंकि ये एक यामा की बाइक है और सेल्स वगैरह इसके काफ़ी ज़्यादा बदतर रहे हैं। अगर हम ये यामा की बाइक की बात करें तो सलूटो 125 पहले लॉन्च हुई थी और सलूटो RX बाद में लॉन्च हुई। सलूटो RX जो है वो 110cc की बाइक है। इसको टफ कॉम्पिटिशन की वजह से किसी ने भी इसको खरीदा नहीं या फिर किसी ने इस बाइक के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। दोस्तों स्प्लेंडर, पैशन, साइन, प्लेटिना जैसी बाइक्स ने इसको काफ़ी ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन दिया है, जैसे इसका जो सेल्स फिगर है वो भी आपको काफ़ी डाउन देखने को मिल जाता है। और अब यामाहा ने इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया है। वेल, सिक्स नंबर पर जो हमारी बाइक है वो है एक्सट्रीम 200R। दोस्तों एक्सट्रीम 200R के साथ भी वही हुआ है, जब से लॉन्च हुई तब से लेकर कभी तक ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई पाई, सेल्स फिगर भी काफ़ी अच्छे नहीं रहे। लेकिन अगर हम इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका जो प्राइस था काफ़ी बेहतरीन प्राइस था, माइलेज नहीं इसका जो परफॉर्मेंस है वो आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता। 150cc सेगमेंट के प्राइस में आपको 200cc का इंजन देखने को मिल जाता था, जो कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर दे देता था लेकिन माइलेज आपको कम देता था। कस्टमर्स ने इस बाइक को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया और इसके सेल्स वगैरह भी काफ़ी डाउन रहे हैं, जिस वजह से इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया है हीरो ने। वेल, अभी जो हमारी नेक्स्ट बाइक है वो दोस्तों एक बाइक नहीं है, वो एक पूरा सेगमेंट ही है। दोस्तों रॉयल एनफील्ड ने अपने 500cc सेगमेंट को टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया है। क्लासिक 500, स्टैंडर्ड 500, थंडरबर्ड 500 ये तीनों बाइक्स रॉयल एनफील्ड ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। दोस्तों रॉयल एनफील्ड की 350cc इतनी ज़्यादा फेमस रही है कि इनकी बुकिंग और इनके सेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाता है। कलर ऑप्शंस, पावर और प्राइस की वजह से लोग जो है वो रॉयल एनफील्ड 500cc की और ज़्यादा देखते ही नहीं थे, बहुत ज़्यादा कंसिडर करते ही नहीं थे। और बीच में यानी कुछ ही वक्त पहले इंस्ट्रक्टर और GT 650 को भी लॉन्च कर दिया था, तो जो 500cc सेगमेंट के कस्टमर्स थे वो डायरेक्ट 650cc सेगमेंट के अंदर चले गए, यानी कि इंस्ट्रक्टर और GT खरीदना उन्होंने ज़्यादा पसंद किया 500cc के स्टैंडर्ड, क्लासिक और थंडरबर्ड के जगह। जिस वजह से रॉयल एनफील्ड ने यही सोचा कि 500cc को डिसकंटिन्यू करना ही बेहतरीन रहेगा। वेल, अभी जो हमारे नंबर वन पर बाइक आती है, यानी कि इस बाइक को डिसकंटिन्यू किया तो काफ़ी सारे लोग अफेक्ट हो गए, यानी कि काफ़ी सारे लोगों को झटका लगा। दोस्तों हायाबुसा को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, 2020 में इंडिया में हायाबुसा को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों हायाबुसा का इंजन जो है वो BS6 नॉर्म को अप्लाई नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से बहुत वक्त पहले यानी कि आज से ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने पहले ही इंटरनेशनल मार्केट में हायाबुसा को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। बट स्टिल अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हायाबुसा भी नेक्स्ट नहीं आएगी तो आप गलत हो। 2021 या 2022 में आपको हायाबुसा का नेक्स्ट जनरेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जब सुजुकी ने डिसकंटिन्यू किया इंटरनेशनली हायाबुसा को, तब से लेकर के ऑलमोस्ट 15 दिन 1 महीने तक कोई मैसेज नहीं आया था सुजुकी की तरफ से, बट फिर मैसेज आया कि हाँ हायाबुसा का एक नया जनरेशन देखने को मिलेगा। और दोस्तों हायाबुसा को डिसकंटिन्यू करने का सबसे बड़ा वजह तो BS6 नॉर्म ही था, क्योंकि उसका जो इंजन था वो BS6 वर्जन के साथ अप्लाई नहीं हो पा रहा था। बट सुजुकी ने कहा है कि वो एक न्यू इंजन डेवलप करेंगे जो कि BS6 के साथ कंप्लाई कर पड़ेगा और इसको इंटरनेशनली मार्केट में भी बेचा जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो सारे बाइक्स जो कि BS6 वर्जन की वजह से डिसकंटिन्यू हो गए। वेल, आपके मन में कोई भी सवाल होता है मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना।